कच्छ જિલ્લામાં કોરોનાના સંક્રમણને રોકવા વહીવટી તંત્ર દ્વારા પગલાઓ લેવામાં આવી રહેલ છે। કોરોનાના દર્દીઓને યોગ્ય સારવાર મળી રહે તે માટેની કામગીરી વહીવટી તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવી રહેલ છે। જિલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રી ભવ્ય વર્માએ આ અંગે તંત્ર દ્વારા લેવાતા પગલા અંગે માહિતી આપી હતી। આ અંગે શ્રી ભવ્ય વર્માએ ચંચળ ન્યૂઝ સાથે વાત કરી હતી। ડિપ્ટી ડીડીઓ પ્રજાપતિજી જો કે અપને યહાં પર ડિપ્ટી ડીડીઓ હૈ ઉનકા કામ યહી હૈ કિ वेंटिलेटर्स की अवेलेबिलिटी, इवन अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल भी बोलता है और जिसके पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन वाले पॉइंट के ऊपर मैं आऊँगा, उसको अपन वेंटिलेटर्स अभी प्रोवाइड करवा देंगे। द गुड थिंग इज़ कि वेंटिलेटर्स की कमी नहीं है, इन द टर्म्स ऑफ वेंटिलेटर्स अपने पास अवेलेबल है। लेकिन जैसे जैसे समरस अपन ने खड़ा किया है, लेकिन समरस के अंदर अभी अपन वेंटिलेटर नहीं दे सकते हैं क्योंकि वेंटिलेटर ऑपरेट करना पूरा क्रिटिकल यूनिट में चला जाता है। तो वेंटिलेटर्स अपने पास हैं, लेकिन वेंटिलेटर को यूज़ करने के लिए जो बाकी रिक्वायरमेंट है वो हम फटाफट फुलफ़िल करवाते जा रहे हैं। जैसे जैसे फुलफ़िल होता जाएगा अपन उसको प्राइवेट में भी देते जाएंगे। वो अपन इंप्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब जो मैंने टीम बनाई है प्रजापति जी के अंदर, वो सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। लोन पर अपन देंगे, मतलब वो इस बेसिस के ऊपर कि अभी अपन उनको लोन पर दे देंगे, फिर जैसे लेट से फ्यूचर में अपने को जीके में रिक्वायरमेंट वगैरह होती है और अगर उनका खाली है उस टाइम, तो फिर अपन ले लेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट में भी अपन देंगे लोन बेसिस के ऊपर, अपन लिस्ट मेंटेन करेंगे। 80 वेंटिलेटर्स अपने पास अवेलेबल हैं, 28 उसमें से डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। मिनिमम 15 अपन जीके को देंगे जैसे ही उनका प्लांट चालू हो जाता है, बिकॉज उससे पहले देंगे तो भी आइडल पड़े रहेंगे वो वहाँ पे। और उसके अलावा प्राइवेट को अपन लोन बेसिस पे देंगे, तो वेंटिलेटर अभी अपने को और बाहर से प्रोक्योर करने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे ही वेंटिलेटर अगर अपन ऑपरेट करते हैं तो अपने को MD फिजिशियन या फिर एनेस्थीसिया वाला या फिर एक पूरी क्रिटिकल केयर यूनिट वाली जो उसकी ज़रूरत पड़ती है, वो पूरी करने के लिए अपन ने जितने भी, जैसे गवर्नमेंट का भी एक नया GR आया था जिसके अंदर उन्होंने पूरा दिया है कि एक सुपर स्पेशलिटी वाला है उसको 2.5 लाख रुपये पर मंथ है, पूरा दिया है। उस हिसाब से आपने देखा होगा, मैंने ट्विटर हैंडल के ऊपर भी डाला था, अखबारी आदि भी हमने दी है। डॉक्टर्स वैसे भी सबको बोल रखा है, जैसे अपने CDHO हैं, ADHO हैं, कि आपकी जो भी जानकारी है IMA वगैरह में, तो अपन कंटिन्यूसली ट्राई कर रहे हैं, जैसे ही डॉक्टर आता है उसको ऑपरेशनलाइज कर लेंगे। लेकिन क्रिटिकल केयर वाला एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है ना पूरा, उसके लिए आपको उनकी 24/7 अवेलेबिलिटी चाहिए। ऑक्सीजन बेड के ऊपर अपन रोटेशन बेसिस के ऊपर ऑब्वियसली लगा सकते हैं, बट क्रिटिकल केयर एक पूरा थोड़ा सा अलग डोमेन है। ऑक्सीजन में सबसे पहले कलेक्टर ऑफिस ने एक GR निकाला था 18 अप्रैल 2021 को, उसके अंदर उन्होंने कुछ मैपिंग किया था, उसके अंदर आज अपन ने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। तो अभी जो एकदम रियल सिचुएशन है वो मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जो फैक्ट्स हैं, जो कि जिसको इंक्रीज करना है डिक्रीज करना अपने हाथ में नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन का पूरे कच्छ जिले में ये स्टेटस है कि अपन ने, और एक तरफ अपने हॉस्पिटल्स आ गए, तो बेसिकली अपने को सिर्फ इतना करना है कि हॉस्पिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो प्रोड्यूसर पूरी कर पाए, और उसके बीच में डीलर का रोल आता है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास सिलेंडर नहीं होते हैं, और सिलेंडर की जो ओनरशिप है वो डीलर की होती है। तो हॉस्पिटल अपना रिक्वायरमेंट बोलता है डीलर को, डीलर कहीं से उसको सिलेंडर रिफ़िल करवा के हॉस्पिटल को दे देते हैं। तो ये पूरा इसका सप्लाई चेन है, बेसिकली ऑक्सीजन वाला जो है ये उसका पूरा सप्लाई चेन है। परसों सुबह मैंने मीटिंग किया था प्रोड्यूसर्स के साथ, कल सुबह मैंने मीटिंग किया था डीलर्स के साथ, और आज सुबह मैंने मीटिंग किया था हॉस्पिटल प्रोड्यूसर डीलर मिला के, सो दैट सभी लोग एक साथ आ जाए, ठीक है। अब बात आती है कि अपनी रिक्वायरमेंट कितनी है, तो ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट नहीं सॉरी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, तो हर एक डीलर से बात करके उनका अपन ने प्रोडक्शन कैपेसिटी देखा है। लगभग अपना 4,500 से 5,000 सिलेंडर्स बैठता है, 4,500 से 5,000 सिलेंडर्स की रिफिलिंग, इतनी अपनी ऑक्सीजन की कैपेसिटी है मोटा भागे। जब अपने को पता है कि अपनी कैपेसिटी इतनी है, तो कहने का मतलब अपन अब जब उसको मैप करेंगे तो वही फिगर अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हाँ भाई अपन इतनी मैपिंग कर सकते हैं, उसके हिसाब से अपन ने मैपिंग किया है। अब अपन आते हैं मैपिंग वाले पार्ट के ऊपर। अब उसके अंदर ये है कि हॉस्पिटल्स जो हैं, थोड़े टाइम पहले तक तो ऐसा था कि अपने को पता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, SDH है अपने पास, गवर्नमेंट मतलब GK हो गया, फिर SDH हो गया, फिर कुछ CCC हैं जहाँ पर ऑक्सीजन बेड है और जिसको गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है, फिर कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो पहले से चले आ रहे हैं, ये सब मिला के कुछ 45 के आसपास हो रहा था, 45 नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स। फिर जैसे गवर्नमेंट का GR आया कि अब के बाद किसी भी हॉस्पिटल को मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ इंटीमेट कर सकता है,
तो ऐसा करने की वजह से अब अपने पास टोटल हॉस्पिटल्स हो गए हैं लगभग 80, जिन्होंने अपने को इंटीमेशन दिया है कि हम भी चालू कर रहे हैं। सिंस उन्होंने इंटीमेट किया है अपने को, तो कहने का मतलब अपन को परमिशन देने की ज़रूरत नहीं है, बस अपन ने उनसे फॉर्मेट लिया है कि भाई आपके हॉस्पिटल का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, बेड्स कितनी अवेलेबिलिटी है, उसमें से ऑक्सीजन बेड्स कितने हैं। अब अपन ने जो मैपिंग करी है वो करी है इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब क्या हुआ, एक फैक्ट अपने को पता है कि अपन 4,500 के ऊपर तो नहीं जा सकते और उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, वो अपना कॉन्स्टेंट है। अब मैपिंग करी है तो उसमें ऑब्वियसली पहले जीके को लिया है, SDH को लिया है, ऐसे हॉस्पिटल्स को लिया है जिनके साथ अपन ऑलरेडी गवर्नमेंट के MOU के साथ साइन कर रहे थे, और एंड में लिया है जिन लोगों ने अभी अपने को इंटीमेट किया है। इस तरीके से करके पूरा अपन ने एक लिस्ट बनाया है। जीके के जो सिलेंडर्स अपन ने अलॉट किए हैं उसके अंदर जैसे ही जीके का खुद का प्लांट चालू हो जाएगा वो अपना कम हो जाएगा उधर से, क्योंकि फिर उनको अपने सिलेंडर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। एज ऑफ नाउ जीके के पास शायद 3 प्लांट चल रहे हैं, जितना मुझे रफली ध्यान है 3 चल रहे हैं, चौथा उनका 5 से 8-10 महीने के बीच में चालू होगा, तो उनके सिलेंडर अपन इस लिस्ट में से घटा देंगे और उनको वेंटिलेटर दे देंगे जैसा मैंने आपको पहले बताया। ये करके अपन ने टोटल लगभग 4800 सिलेंडर्स का अपन ने मैपिंग किया है। वो जो ऑर्डर है वो भी आप सब लोगों को मिल जाएगा। उस ऑर्डर को अपन ने किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है, एपिडेमिक एक्ट के तहत कलेक्टर मैम का ऑर्डर हुआ है, उसके अंदर एनेक्सर नंबर 1 है जिसके अंदर अपन ने तालुका वाइज, हॉस्पिटल वाइज, इन प्रोपोर्शन टू ऑक्सीजन बेड्स जिनकी कैपेसिटी है उस हिसाब से अपन ने उनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स अलॉट किए हैं, और सामने लिखा है कि ये आपका डीलर होगा और उसके सामने लिखा है कि ये डीलर इस मैन्युफैक्चरर से खरीदेगा। तो पूरा एक वो मैप कर दिया है, डीलर्स को बोला है कि आपको इसी हॉस्पिटल को सप्लाई करना है। तो ऑर्डर का जो दूसरा एनेक्सर है उसमें है कि हॉस्पिटल का नाम लिख दिया, जैसे फॉर एग्जांपल जीके, अगर अपन ने उसको 500 दिए तो जीके को लिख दिया कि तुम्हारे 500 यहां यहां से आएंगे, और अपन ने कोशिश करी है कि जहां तक हो सके एक हॉस्पिटल या तो एक या मैक्सिमम 2 डीलर्स के साथ उसको डील करना पड़े। ऐसा नहीं हो कि पता चला जीके को 500 चाहिए, फॉर एग्जांपल एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, तो वो 100-105 अलग अलग डीलर से ले रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से अपन ने जो है पूरी एक्सरसाइज जो है उसको मैप किया है। इसके अंदर अपने जो टोटल मैपिंग अपन कर पाए हैं वो कर पाए हैं 48 हॉस्पिटल्स, जो नंबर आपको ऑर्डर में दिखेगा, ठीक है। अब बात आती है कि ऐसे हॉस्पिटल्स जिन्होंने अपने को इंटीमेट किया है उनका क्या, क्योंकि उनके पास भी ऑक्सीजन बेड्स तो होंगे, तो समाउ अपन ऑर्डर में उनको अकोमोडेट नहीं कर पाए हैं। हम चाहते थे उनको अकोमोडेट करना, लेकिन चूंकि अपने को पता है कि अपन 4800 सिलेंडर के बियॉन्ड अभी नहीं जा पाए, जब तक कि अपने पास या तो कोई नया ऑक्सीजन प्लांट नहीं लग जाए, जीके को छोड़ के कहीं और जगह अपन कोई ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगवा पाते हैं, या फिर अपने को लिक्विड ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है जिसकी वजह से अपन और ज़्यादा रिफिल कर सके, जब तक ये दो कॉन्स्टेंट अपने पास है तब तक अपनी कैपेसिटी 4800 से 5000 सिलेंडर की ही रहेगी, और उसी को ध्यान में रखते हुए अपन ने मैपिंग किया है। मतलब बेसिकली अपनी जितनी भी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको अपन ने मैप कर दिया। नंबर ऑफ सिलेंडर्स की बात कर रहा हूँ, एक सिलेंडर जो होता है उसकी कैपेसिटी होती है 7 क्यूबिक मीटर, 47 किलो का पड़ता है, जंबो सिलेंडर जो उसको बोलते हैं। जामनगर वाले का भी बात चल रही है, अपन ने यहाँ से लेटर भी लिखा है। रिलायंस वाले का बेसिकली अपने को रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ेगा कि अगर वहाँ से लिक्विड ऑक्सीजन आ पाती है तो यहाँ पर मेरी 5000 की जो कैपेसिटी है उसको मैं बढ़ा पाऊँगा 3-4 दिन के लिए, तो फिर हो सकता है कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल को भी अपन इंगेज कर ले। 48 के बाहर जो रह गए हैं उनको अपन ले पाए। उसका रीज़न ये है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिस्ट्रीब्यूट किया है कि हर स्टेट गवर्नमेंट का कितना रिक्वायरमेंट वगैरह है, तो अपने को बस ये पता है कि वो 2 नहीं आ रहा है अभी अपने पास, तो अपने पास जो इंटरनल एग्जिस्टिंग है अब वो क्यों नहीं आ रहा, उसका रीज़न मैं यहाँ पर इस सीट के ऊपर मेरे को इतना आइडिया नहीं है। देखिए उसका मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ कि हमको उसकी जानकारी नहीं है। अपने को ये पता है कि विद इन इंटरनल कच्छ अपनी जो 5000 की कैपेसिटी है उसको अपने को मैप करना है। नंबर एक तो लिक्विड ऑक्सीजन का अपन ट्राई कर रहे हैं, उसके लिए लेटर लिखे हैं, उसके ऊपर अपन फॉलोअप कर रहे हैं। नंबर 2 अपन कुछ प्लांट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि हम उनको डायरेक्टली यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर सकें और एटलीस्ट अपने SDH जो हैं उनके अंदर प्लांट इस्टेब्लिश कर पाएँ। लेकिन इसमें अपने को 20-25 दिन, एज्यूमिंग मैंने कल ऑर्डर कर दिया और उसने एग्री कर लिया, तो अपने को मिनिमम 20-25 दिन प्लांट खड़ा करने में लगेंगे, क्योंकि अभी जो लिमिटेड प्लांट प्रोड्यूसर्स हैं उनके ऊपर हर जगह से ऑर्डर आ रहे हैं। अब एक सवाल आता है इसके अंदर कि शायद जैसे मोरबी के हॉस्पिटल की भी यहाँ से रिक्वायरमेंट जाती है या ऐसे करके, तो सिंस गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि वहाँ पर भी पेशेंट्स ही ट्रीट हो रहे हैं
तो अपन ऐसे नहीं कर सकते कि उनका अपन रोक सकते हैं। तो अपन ने जो मैपिंग करी है उसके अंदर उसको अपन ने फैक्टर कर रखा है, फैक्टर इन कर रखा है कि हाँ भाई इतने मोरबी में जाते हैं। यह है अपना ऑक्सीजन का अपना MDS की ऑल लिक्विड ऑक्सीजन तो एक्स्ट्रा चीज़ है, वैसे भी तो ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं ना, लिक्विड ऑक्सीजन एक एक्स्ट्रा मिलेगा तो अपनी कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखो उसमें अपन क्या कोशिश कर रहे हैं कि कंटिन्यूसली एक लिस्ट अपडेट करने का कोशिश कर रहे हैं, बंद कौन से पड़े हैं, उनको कैसे चालू करवाया जा सकता है, प्लस और कौन से ऐसे पॉसिबल जगह है जहाँ से अपने को मेडिकल ऑक्सीजन मिल सकता है, वो भी अपन कंटिन्यूसली एक्सप्लोर कर रहे हैं। जो लिक्विड ऑक्सीजन वाला जो है ना, तो पूरा सर की नॉलेज में सर फॉलोअप कर रहे हैं। हॉस्पिटल, सप्लायर और प्रोड्यूसर, वो तो मेरा VC था जो मैंने आपको बताया, परसों प्रोड्यूसर का लिया था, कल डीलर का लिया था। देखिए PSC लेवल के ऊपर जो है वो जो उन्होंने बात किया था ऑनरेबल CM सर ने, PSC लेवल के ऊपर ऑक्सीजन बेड नहीं है, PSC लेवल के ऊपर है कम्युनिटी कोविड सेंटर टाइप केयर सेंटर। मतलब ऐसे रूरल एरिया के पेशेंट्स माइनर, बहुत एसिम्प्टोमेटिक या माइनर है, और या फिर होम आइसोलेशन के लिए उनके पास जगह नहीं है, तो उनके लिए PSC लेवल के ऊपर एक ऐसा कोविड केयर सेंटर हो, इसको PSC लेवल पे रखने का मीनिंग इस वजह से है सो दैट अपना PSC का जो मेडिकल स्टाफ है वही उनकी केयर कर लेगा, ठीक है। इसका PSC बिल्डिंग में होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन जिस गांव में PSC है उसी गांव के अंदर वो सेंटर होगा, तो उसकी जो देखभाल करेंगे मेडिकली वो करेगा PSC का स्टाफ। कॉम्प्लेक्स का जो सैनिटेशन वगैरह होगा उसके लिए TDOs को जानकारी दी गई है, और बाकी सरपंच और फूड मैनेजमेंट वगैरह जो भी होगा वो सरपंच लेवल के ऊपर हो जाएगा, लोकल अथॉरिटीज़। उसके अंदर गवर्नमेंट का एक मिनट, उसमें गवर्नमेंट का फंड नहीं है कुछ भी, वो लोकल अथॉरिटीज़ जो है, इसीलिए उसको कम्युनिटी सेंटर के हिसाब से जो है एज ऑफ नाउ तो अपने पास यही इंस्ट्रक्शन है। ये चीज़ ऑनरेबल CM सर ने 10-15 दिन पहले एक VC हुआ था उसमें ये उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए थे, पॉइंट में ये था नहीं, लेकिन फॉर्चुनेटली अभी आपने पूछ लिया तो अभी अपन ने एक यादी बनाई है तालुका वाइज PSC वाइज, बेसिकली तालुका वाइज PSC वाइज। इसके अंदर अपन ने टोटल 74 जगह आइडेंटिफाई करी है जिसके अंदर 1688 बेड्स की पॉसिबिलिटी आइडेंटिफाई करी है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि इस चीज़ को आप नॉर्मल हॉस्पिटल बेड्स में मत वो करना, बिकॉज ये अपने ये कम्युनिटी केयर के हिसाब से है, तो अपन इसको अपने अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स में अपन इस फिगर को नहीं काउंट कर सकते। और अगर हम कभी इसको प्रेस नोट में इसको दिखाते भी हैं तो भी वील इंश्योर कि इसको अलग से हेडिंग देंगे कि ये वाले जो है ये PSC वाले हैं। ये अपन स्टार्ट करेंगे, जगह आइडेंटिफाई हो गई है सारी, जैसे आप मुझे रेंडमली कुछ पूछें तो मेरे पास लिस्ट है सारी, तो जगह अपन ने आइडेंटिफाई कर ली है। ये पॉसिबली 2-3 दिन, क्योंकि इसकी जो प्राइमरी तैयारी है वो तो जब ऑनरेबल CM सर का VC हुआ था तभी अपन ने कर लिया था। आज इसमें एक VC हुआ था चीफ सेक्रेटरी सर का, उसके अंदर हमको इसका फॉर्मल जानकारी दिया गया, तो फॉर्चुनेटली हमारे पास एक रफ आइडिया पहले से था। तो ये जितने भी सेंटर्स आइडेंटिफाई किए हैं इसमें से 80% पे तो मेरे TDO और THOs खुद विजिट कर आए हैं, लगभग 15-20 दिन से एक्सरसाइज चल रहा था। अब सीन्स आज एक फॉर्मल इंस्ट्रक्शन मिल गया तो पॉसिबली नेक्स्ट 1-2 डेज में अपन इसको चालू कर देंगे। जो ऑर्डर आपको देंगे उसके अंदर अपन ने उसको काउंटिंग किया है, हाँ ऑर्डर में लिखा हुआ है ऑक्सीजन कंट्रोल रूम अपन ने एक इस्टेब्लिश किया है। फॉर्मल ऑर्डर इशू तो हो गया है लेकिन शायद आपके पास अभी कॉपी नहीं पहुंची है, वो पहुंच जाएगी। उस ऑर्डर में लास्ट लाइन लिखी हुई है कि ये ऑक्सीजन कंट्रोल रूम का नंबर है, ठीक है। और रिजर्व जत्था अपन ने, रिजर्व का मतलब क्या है कि कई बार ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कल ऐसा हुआ था कि कोई एक प्लांट में लंबी लाइन लग गई थी, और आज ऐसा हुआ था कि किसी प्लांट में कुछ एक थोड़ी सी खराबी हो गई थी तो 3-4 घंटे के लिए कुछ बंद था, क्योंकि सारे प्लांट्स अभी 24/7 रन कर रहे हैं। अब इस बीच में अगर किसी की गाड़ी वहाँ पर अटकी हुई है, उस बीच में अगर जैसे अपने पास डिमांड आती है, कोई हॉस्पिटल बोलता है कि सर मेरे को सिलेंडर लाने में एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा, उसी केस के अंदर हम उसको रिजर्व वाले में से प्रोवाइड करवा देंगे, और जब उसकी खुद की गाड़ी रिफिल होकर आएगी तो रिजर्व वाला पूरा अपन वापस भर देंगे। ये व्यवस्था की वजह से पिछले 2 दिन में अपने को कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि जितनी भी ऐसी SOS कॉल्स आए वो अपन रिजर्व से फटाफट पूरी कर पाए, और फिर अपन ने उसको रात में रिप्लेनिश कर दिया। हाँ एक प्लांट में प्रॉब्लम आया था, ऑक्सीजन का जत्था तो कहीं से आता नहीं है ना, प्लांट में दिक्कत आया था तो उस वजह से प्रोडक्शन थोड़ी देर तक रुका हुआ था, तो वो बीच की जो भी रिक्वायरमेंट थी वो अपन ने रिजर्व से पूरी करी, और फिर जब प्लांट चालू हो गया तो रिजर्व को अपन ने भर दिया। हाँ शुरू हो गया, जैसे उसमें 150 ये है, फिर अपना गड़ा पाटिया में अपन कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, लीलाशाह कुटिया में अपन कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, फिर अपन नखतराना के अंदर गर्ल्स हॉस्टल है वहाँ पे लगभग 100 के आसपास की कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, और उसके अलावा इधर रता तालाब हो गया, तो सब जगह मिला के अपन ऑर्डर में उसको फैक्टर इन किया है कि जैसे ही वहाँ पर ऑक्सीजन बेड अवेलेबल होंगे अपन उनको प्रोवाइड करवाएंगे, प्लस जितने भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है उसको अपन सारा उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। 16 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है
उसमें से 3-4 ऐसे हैं जिसके अंदर अपन ऐसा नहीं कर पाएंगे, बिकॉज बहुत पुरानी बिल्डिंग है, उतनी ज़्यादा जगह नहीं है, लेकिन ऐसे जितने भी हैं जहाँ पर अपन कर सकते हैं उसको अपन अभी ऑक्सीजन बेड्स में कन्वर्ट करेंगे। उसमें से मेरे पास एज ऑफ नाउ एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन 8-9 तो चालू भी हो गए हैं। उसमें से सभी CHC के ऊपर अपन ऑक्सीजन बेड चालू नहीं कर सकते हैं, वही CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जितने भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं वो 16 हैं, सभी के ऊपर ऑक्सीजन बेड्स चालू नहीं हो सकते, क्योंकि कई बहुत छोटी जगह पर हैं, कई जगह बिल्डिंग बहुत पुरानी है, तो फायर सेफ्टी उसमें नहीं हो सकती, क्योंकि जहाँ पर भी ऑक्सीजन चालू कर रहे हैं वहाँ पर फायर सेफ्टी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लगभग इसमें से अपन 12 या 11 जगह पर चालू कर पाएंगे, उसमें से 4 या 5 के ऊपर ऑलरेडी चालू हो गया है, और बचे हुए जो 5-6 हैं उसका वर्क ऑर्डर अपन ने एजेंसी को दे दिया है, और उस एजेंसी से अपन जल्दी से जल्दी उसको ऑक्सीजन लाइन डलवाने का काम कर रहे हैं। वर्क ऑर्डर सभी CHCs का दे दिया है। CHC में मिला के आप देखिए, अगर अपन ऑक्सीजन 11 भी माने तो 11x20 के हिसाब से लगभग 220 से 250 के बीच की कैपेसिटी आएगी। PIU उनका काम करवाती है बेसिकली, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग यूनिट जो है उसके पास वर्क ऑर्डर है और काम चालू उसमें मतलब हो जाएगा, लेकिन सिंस बहुत सारे वर्क ऑर्डर हैं, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना समरस का काम चल रहा है, लीलाशाह कुटिया का काम है, गड़ा पाटिया में बेड इंक्रीज करेंगे उसका काम है, नखत्राना बालिका विद्यालय वाला जो है उसका काम है, और उसके अलावा रता तालाब में थोड़ा काम है, और उसके अलावा फिर CHC का काम है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है कि CHC को पीछे रखेंगे, लेकिन अपन एक और एजेंसी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पैरेलली काम चले। समरस को अभी अपन ने क्या किया कि डायरेक्ट चालू कर दिया है। पहले क्या हो रहा था, GK से रेफर हो रहा था। समरस में दिक्कत क्या आ रही थी कि अपना तैयार हो गया है, इंफ्रा है, लेकिन जब भी आप ऑक्सीजन बेड्स की बात करते हो तो आपको MD फिजिशियन चाहिए या फिर कोई MD एनेस्थीसिया वाला चाहिए। सिंपल MBBS डॉक्टर के बेसिस के ऊपर ऑक्सीजन सेंटर चालू नहीं हो सकता, जैसा सर ने बताया था। इनफैक्ट अपन पहले से भी ये कोशिश कर रहे थे कि अपन ने एक सेंटर चालू किया है अंजार, 4 तालुका के लिए, रापर बचाओ गांधीधाम अंजार। टोटल अपने पास जो वायल हर दिन के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 700, उसमें से 40% अपन वहाँ 4 तालुका के लिए रख रहे हैं, 60% अपन यहाँ के लिए रख रहे हैं, 40% अंजार, 60% यहाँ पे, हाँ मतलब वो ईस्ट कच्छ हो गया। अच्छा, ये 40% का फिगर अपन किस तरीके से आए हैं कि केसेस ज़्यादा हैं अंजार गांधीधाम में, बट नंबर ऑफ हॉस्पिटल भुज एरिया में ज़्यादा है, और अपन रेमडेसिविर उसको दे रहे हैं, जो कि प्राइमरी अपना टारगेट कौन है, जो ऑक्सीजन जो एडमिटेड पेशेंट है, तो हॉस्पिटल सिंस इधर ज़्यादा है, तो 60% 6 तालुका के लिए, 40% वहाँ के लिए, लेकिन ये कोई फिक्स फिगर नहीं है, ये क्या है अपना इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब पता चला अपने पास भुज में एक्स्ट्रा बच गया और वहाँ पर डिमांड है, तो अपन नहीं नहीं ये अभी ठीक है, इसमें अपन मैनेज कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। रेमडेसिविर में सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने और इनफैक्ट बाकी सभी डॉक्टर्स ने भी, इनफैक्ट IMA ने भी बोला है कि रेमडेसिविर कोई मैजिक बुलेट नहीं है। दूसरी बात, रेमडेसिविर इफेक्टिव कब होती है, जब आप उसको इनिशियल फ्यू डेज ऑफ द सिम्टम्स में देते हो, जब तक आपका सिचुएशन वर्सन नहीं हुआ है। और मेन टारगेट अपना रहता है कि एटलीस्ट वो पेशेंट जो कि थोड़े से सीरियस है, कहने का मतलब वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं, वहाँ पर उनका सेचुरेशन लेवल वगैरह अगर नीचे आ रहा है, तो अभी अपना बहुत सिंपल प्रोसेस है इसके अंदर, जो कि अपन ने एक थोड़ा सा वो नोटिफिकेशन भी निकाला था कि हॉस्पिटल को अपन प्रोवाइड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर नवीन भाई का कोई हॉस्पिटल है और आपके यहाँ जैसे 3 पेशेंट एडमिटेड हैं, तो आप एक उनका नाम लिख के भेजते हैं कि भाई मेरे यहाँ पर A, B और C ये 3 पेशेंट हैं, इसमें से पेशेंट ए का आज पहला दिन है, तो पहले दिन रेमडेसिविर के 2 वायल मिलते हैं, टोटल 6 वायल दिए जाते हैं रेमडेसिविर के, पहले दिन 2, फिर 1, 1, 1, 1 इस तरीके से होता है, तो 5 दिन में 6 वायल होता है उसका। तो आपने भेजा कि 2 वायल हैं, जैसे पेशेंट एक आज पहला दिन है तो इसके 2 वायल, बाकी 2 का तीसरा चौथा दिन है, तो 1-1 वायल, तो टोटल 4 आपको वायल चाहिए। ये 4 पेशेंट का नाम, इनका प्रेस्क्रिप्शन कि हाँ भी डॉक्टर ने बोला है कि इनको इंजेक्शन चाहिए, प्लस इनका जो भी अमाउंट होता है, जो अमाउंट है वो GR में लिखा हुआ है, वो अमाउंट हॉस्पिटल डिपॉजिट करते हैं, उनका रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इंजेक्शन लेके जाता है और उनको कर देते हैं। बिल्कुल लिया जाएगा। 1 तारीख से अपना वैक्सीनेशन चालू हो रहा है, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर का लड़ती है। रात को डिस्ट्रीब्यूट करने का था नहीं, इसलिए आज, और आज रेमडेसिविर में अभी तक कोई शिकायत आई नहीं है, स्मूथली अपना डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। ऐसा उसके अंदर बार बार आ रहा है कि बेड्स अवेलेबिलिटी का आंकड़ा गलत है, मैं आपको दोबारा इंश्योर कर रहा हूँ कि आंकड़ा बिल्कुल गलत नहीं है। बात बस इतनी सी है कि वो टोटल बेड्स का आंकड़ा है जिसके अंदर रूम एयर भी होता है, O2 भी होता है। आज की तारीख में अपने पास जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं वो ज़्यादातर O2 वाले आ रहे हैं, इसलिए अपने को O2 बेड मिलने में दिक्कत होती है, नो डाउट अबाउट दैट, उससे मना नहीं कर रहे, लेकिन वो आंकड़ा गलत नहीं है। वो आंकड़े में तो रूम एयर भी आती है। प्रेस नोट में आप जो भी आंकड़ा देखते हैं ना, वो हॉस्पिटल बेड है,
वो हॉस्पिटल बेड है। फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने पीएससी वाला आपको बताया ये उसमें नहीं है, और पीएससी वाला अगर अपन उसमें इंक्लूड करते हैं तो भी उसमें नहीं करेंगे, नीचे से अलग से इसको बताएंगे कि वो कहाँ पर अवेलेबल है। उसके अंदर अपन आज या फिर मैक्सिमम कल से तालुका वाइज हॉस्पिटल वाइज ब्रेकअप दे देंगे, ठीक है। वो मेरे को थोड़ा सा उसको तैयार करने में टाइम लग रहा है। मेरा प्लानिंग उसके अंदर ये है कि रियल टाइम अवेलेबिलिटी दिखा सके, लेकिन रियल टाइम अवेलेबिलिटी जो है वो अपन या तो सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, उतना अभी टाइम नहीं है, तो अपना कोशिश ये है कि सिंपल एक गूगल शीट बनाते हैं। वो जो गूगल शीट है उसका लिंक अपन सारे हॉस्पिटल्स को दे देंगे, कैपेसिटी अपने को पता है, O2 कैपेसिटी अपने को पता है, हॉस्पिटल को बोलेंगे कि बॉस तुम हर 2 घंटे में इसको बस अपडेट करते रहो। तो एक ही शीट है, लिंक सबके पास है, वो जो भी अपडेट करेगा अपने को यहाँ दिख पाएगा। मेरी कोशिश ये है कि उस लिंक को मैं ऑनलाइन ट्विटर हैंडल या कलेक्टर ऑफिस या DDO ऑफिस का जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी डाल सको, कि उसका रीज़न ये हो सकता है कि ऐप जब बनाई थी ना, तो ऐप बनाते हैं तो एक तो उसका डेवलपमेंट चार्ज होता है, एक उसका मेंटेनेंस चार्ज होता है। जब अपन उसका मेंटेनेंस फ़ी भर देते हैं तो सामने वाले उसकी सर्वर कैपेसिटी को बरकरार रखते हैं, तो हो सकता है वो अभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि जब तक अपन उसको मेंटेनेंस वाला नहीं देंगे उसके पास कोई रीज़न नहीं है कि वो इसको चालू रखे, वो एक दूसरा रीज़न है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको रियल टाइम प्रोवाइड कर सकूँ। जब तक रियल टाइम नहीं प्रोवाइड कर सकते तब तक आज रात को नहीं तो कल शाम को जो आपके पास प्रेस नोट आएगा उसमें तालुका वाइज दिख जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, कोशिश मेरी ये रहेगी कि उसके अंदर सिर्फ O2 बेड्स अपन दिखा सकें, क्योंकि रूम एयर आज के टाइम में कोई मांगता नहीं है, शायद आप लोगों का भी फीडबैक यही होगा, ठीक है। लगभग 1300 हैं जिसमें से लगभग 1100 ऑक्यूपाइड हैं, मोटा भागे, लेकिन आप इसको एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन ये मोटा भागे। जो अपने को दिक्कत आती है, जो लोगों के कॉल आते हैं, वो इसलिए नहीं आते हैं कि अपने पास बेड अवेलेबल नहीं, वो O2 वाले कॉल आते हैं, वो डेफिनेटली अपने पास O2 की कैपेसिटी लिमिटेड है, उसके अंदर अपन मना नहीं कर रहे हैं। आपके मीडिया ग्रुप में आप जो टोटल फिगर देखते हैं ना, उसके अंदर रूम एयर प्लस O2 दोनों है। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि रूम एयर पे तो बेड अपने पास खाली है ना, इसलिए उसमें ऐसा दिखता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं ट्विटर खोलता हूँ उसमें भी नीचे लोग बोलते रहते हैं कि बेड खाली नहीं है, तो मैंने सोचा ये मैं आपको बताऊँ। उसको कभी भी अपन सिलेंडर लगा के ऑक्सीजन बेड तो बना ही सकते हैं ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस इस चीज़ की है कि मेरे पास सिलेंडर उपलब्ध हो, उसमें ऑक्सीजन उपलब्ध हो, बस इतनी सी बात है। इसलिए कोशिश इस डायरेक्शन में कर रहे हैं अपन कि O2 बेड्स जितने सिलेंडर अभी लगे हुए हैं वो कितने हैं, उसमें से कितने ऑक्यूपाइड हैं, कितने खाली हैं, उतना अपन दे सके तालुका वाइज हॉस्पिटल वाइज। इसमें दिक्कत एक आएगी, वो क्या आएगी, जो 40-45 हॉस्पिटल जिनको अपन ने मंजूरी दिया था और ऑलरेडी जिनके साथ अपन काम कर रहे थे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी ऐसे हॉस्पिटल भी हैं जिन्होंने अपने को बस जानकारी दे दी कि हम चालू कर रहे हैं, तो ऐसे टोटल मिला के अब अपने पास 80+ हो गए हैं, तो थोड़ा कम्युनिकेट करने में दिक्कत आ सकती है। अब ऐसे जो हॉस्पिटल हैं उसमें कई ऐसे हॉस्पिटल भी हैं जो छोटे छोटे हॉस्पिटल हैं, 4 बेड वाले। अभी जब मैं बेड की बात कर रहा हूँ तो O2 बेड की बात कर रहा हूँ, 4 O2 बेड वाले, 5 O2 बेड वाले, तो उसमें थोड़ा अपने को दिक्कत रहेगा। इसलिए अगर अपन प्रेस नोट में देते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि जो बड़े वाले 45-50 हैं उसकी जानकारी दे सकें, और दूसरा ये भी कोशिश रहेगा कि बाकी हॉस्पिटल्स का एटलीस्ट तालुका वाइज नाम दे दें कि इस तालुका में ये हॉस्पिटल कोविड का काम कर रहा है, तो उस तालुका का कोई पेशेंट सीधे हॉस्पिटल में फ़ोन करके भी पूछ सकता है कि भाई तुम्हारे यहाँ अभी अपन चाहें तो 5 दिन में बन सकती है। बात यह है कि 80 हॉस्पिटल्स उस ऐप को यूज़ करें, अपन उनको बोल भी देंगे, लेकिन उनका भी ऐप को यूज़ करने का इंसेंटिव या इंटेंशन उतना ही होना चाहिए जितना अपना है।